इंद सदवंदियाणम तिहुवण हिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम रमो जिडाणम चिद भवाणम रमो जिडाणम जिद भवाणम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे साक्षात प्राकृत भाषा के गुरुजी हैं प्रोफेसर हरिशंकर पांडे जी, जिनसे आरंभ में मैंने प्राकृत का परिचय प्राप्त किया था, आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ फौजदार जी जो वैशाली संस्थान के निदेशक हैं, प्राकृत भाषा की आचार्य लाल बहादुर विद्यापीठ की आचार्य डॉक्टर कल्पना जी, प्रोफेसर कल्पना जी, यहाँ पर सभागार में सभी हमारे गुरुजन जो यहाँ उपस्थित हैं, प्राकृत प्रेमियों एवं यहाँ विराजमान सभी हमारे युवा विद्वानों एवं साथियों, संभवतः इस संगोष्ठी का ये अंतिम सत्र है, और अगर कल्पना जी को मैं छोड़ दूं तो मैं अंतिम वक्ता हूँ, क्योंकि वो संचालिका हैं, उन्हें भी अपना पत्र प्रस्तुत करना है। संगोष्ठी का जब विषय मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने चर्चा की, और मैं इस विषय पर कुछ दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में है। हमारे बहुत युवा साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और अंततोगत्वा प्राकृत के संरक्षण और संवर्धन की जो डोर है वो उन्हें ही संभालनी है। हमारे सभी वरिष्ठ विद्वान उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। व्यवहारिक उपयोगिता की चर्चा यहाँ पिछले दो दिन से हम लोग निरंतर कर रहे हैं। एक पक्ष और है, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कहना चाहता हूँ। अभी चर्चा चल रही थी, यहाँ हमारा जो शीर्षक है पाली प्राकृत साहित्य के व्यवहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता, एक छोटी सी घटना घटी, उस बात से मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व मेरे बेटे ने एक पर्चा ला करके मुझे दिया अपने स्कूल से, और कहा कि पापा इस पर एक साइन कर दो। तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की बात है, बोले स्कूल ने ये पर्चा भेजा है कि आपको फ्रेंच लेनी है कि संस्कृत, तो इस विषय का चुनाव करके पेरेंट्स की अनुमति से आप ये फॉर्म वहाँ सबमिट कराओ। तो मैंने सहज ही उससे पूछा कि तुम क्या लेना चाहते हो, तुम स्वतंत्र हो, मैं संस्कृत या प्राकृत से जुड़ा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि तुम वही पढ़ो, तुम स्वतंत्र हो, तुम बताओ क्या पढ़ना चाहते हो। तो एक बच्चा इस बारे में क्या सोचता है, उसने मुझसे कहा मैं फ्रेंच पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, तुम्हें क्या फ्रेंच का पहले से परिचय प्राप्त है या क्या भाषा है? बोले नहीं, वो एक तो हमारे सारे दोस्त वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे फ्रेंच लेनी, दूसरा जब उससे बहुत पूछताछ की तो उसने एक बात कही जो मुझे लगा बहुत अनुसंधान के बाद ये रिजल्ट सामने आता है। उसने एक बात कही कि मुझे फ्रेंच इसलिए पढ़नी है क्योंकि इसकी मैडम बहुत अच्छी है, और संस्कृत इसलिए नहीं पढ़नी कि वो मैडम बहुत ख़राब है जो पढ़ाती है, वो मुझे डांटती है, सबको दंडित करती है और बड़ी ख़राब लैंग्वेज में बात करती है, और जो फ्रेंच की मैडम है वो बहुत अच्छे से पूछती है, हाय हेलो करती है, कैसे हो बेटा, क्या समझ में आया, बड़ी प्यार से बोलती है। तो उससे मुझे एक विषय समझ में आया, मैं उस विषय पर बात कहना चाहता हूँ, भविष्य में कहूँगा, भी थोड़ा इशारा कर रहा हूँ। एक गोष्ठी इस बात पे भी होनी चाहिए कि पाली प्राकृत शिक्षक के व्यवहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है उससे हमारे विषय की गरिमा बनती है।
अभी प्राकृत कोई नाम नहीं जानता, आम जन में वो कहेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा समझते हैं, लेकिन प्राकृत नाम वो ये जानते हैं हमसे आपसे प्राकृत की बात जुड़ी हुई है, हम लोग उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो लोग ये देखते हैं कि अगर इनका व्यवहार अच्छा है तो प्राकृत भाषा बहुत अच्छी है, और अगर इनका व्यवहार खराब है तो प्राकृत भाषा खराब। वो हमारे व्यवहार से हमारी भाषा का परिचय प्राप्त करते हैं, वो उस विषय की गहराई में नहीं जाते हैं, आम जन भी ऐसा नहीं करते। तो एक तो मैं ऐसा विचार करता हूँ कि मुझे अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए और अपनी कषायें बहुत मंद रखनी चाहिए, और जो विद्यार्थी प्राकृत पढ़ने आ रहा है मेरी ये जिम्मेदारी है उसको पालना पड़ेगा, हम उसको डांट के नहीं पढ़ा सकते, उसको पालेंगे तो हमारे व्यवहार से भी प्राकृत चलेगी। तो प्राकृत की संगोष्ठी में सिर्फ साहित्य के व्यवहार की पक्ष को नहीं देखें, बल्कि जो प्राकृत के शिक्षक हैं उनके व्यवहार पक्ष पर भी हमें विचार करना पड़ेगा, तब हमारा प्राकृत का जो संरक्षण संवर्धन है वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता सामने आएगी। जो मेरा मूल विषय है वो ये है कि आधुनिक युग में प्राकृत भाषा के विकास की संभावनाएं। तो एक बिंदु तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा खुद का व्यवहार पक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए, जो प्राकृत में रुचि रख रहे हैं उनको खूब अच्छी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, आज का जो युग है उसके अनुरूप हमें प्राकृत की उपयोगिता उपादेयता सिद्ध करने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। जैसे आज भाषा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, संस्कृत हिंदी आदि भारतीय भाषाओं के रक्षण की बात बहुत होती है और कार्य भी बहुत हो रहे हैं, किंतु प्राकृत भाषा की संपदा को बचाने और समृद्ध करने की दिशा में अभी वैसे कार्य ना तो सामाजिक स्तर पर हो रहे हैं और ना ही राजकीय स्तर पर। आधुनिक युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई भाषाओं में अपने पूरे प्रभाव पर है, यह भाषा प्रौद्योगिकी का परिणाम है। इस विषय पर मेरा ध्यान उस समय ज़्यादा आकर्षित हुआ था जब अचानक एक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले जो भाषा प्रौद्योगिकी में काम कर रहे हैं उनका एक दिन फ़ोन आया और वो ये समझना चाह रहे थे कि हम कई भाषाओं को लेकर के वर्क कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप किस तरह का काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा डिटेल में समझाया और उन्होंने कहा कि हम प्राकृत के बारे में भी काम करना चाहते हैं और किस तरीके से करें इस चीज़ की सलाह आप हमें दें। तो कुछ सजेशन मैंने दिए और भी बहुत सारी बातें हुई, तो वो इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि आज का युग और वातावरण इस दृष्टि से बहुत अच्छा बन चुका है कि जो ऐसी निजी कंपनियाँ हैं वो भी भाषा के क्षेत्र में आगे आकर काम कर रही हैं। आप देखो पिछले कुछ समय में हम लोग टाइपिंग को लेकर बहुत चिंतित होते थे और टाइपिस्ट खोजते फिरते थे, टाइप होने के बाद भी वो फॉन्ट सभी जगह कंप्यूटर पर खुलता नहीं था तथा उस फॉन्ट में हम मैसेज ईमेल आदि नहीं लिख पाते थे, हमें रोमन में ही हिंदी लिखनी होती थी और फिर अंग्रेजी में अनुवाद करके मेल करना पड़ता था। किंतु यूनिकोड ने इस पूरी समस्या को हल कर दिया और आज हम अनेक भाषाओं में संदेश टाइप भी कर लेते हैं और उसका अनुवाद भी अपने आप उसमें हो जाता है। तो ये जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है मैं समझता हूँ ये प्राकृत भाषा के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए हमें प्राकृत भाषा में कुछ सॉफ्टवेयर तैयार करवाने पड़ेंगे। आज जैसे अनुवाद मशीनी अनुवाद का युग चल पड़ा है, लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में विषय को डाल देते हैं और उसका किसी भी भाषा में अनुवाद होकर सामने आ जाता है। तो कंप्यूटर अनुवाद में यद्यपि बहुत कठिनाइयां हैं लेकिन धीरे धीरे उस पर भी विजय प्राप्त की जा रही है और बहुत कुछ हद तक पिछले 2-4 सालों में बहुत उसका विकास हो गया है। हिंदी अनुवाद के बहुत प्रयास किए गए हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश का मैं उल्लेख करना चाहूँगा जिन्होंने इस विषय में बड़ा भगीरथ प्रयत्न किया और उन्होंने राजभाषा विभाग के सहयोग से एक अनुवाद प्रारूप तैयार किया है जो कंप्यूटर से वैज्ञानिक अनुवाद कार्य करने की योजना पूरी तैयार कर रहा है और अंग्रेजी से हिंदी में कंप्यूटर अनुवाद की दिशा में बंगलोर पिलानी और दिल्ली के संस्थान बहुत सक्रिय हैं। अंग्रेजी से हिंदी में कंप्यूटर अनुवाद आजकल बहुत
कॉमन हो गया है, लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए वो कि कहते हैं कि अगर भारतीय भाषाओं का आपस में अनुवाद होगा तो ज़्यादा सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में उनकी शब्दावली समान है और व्याकरणिक समानता भी उनमें आपस में है। तो इस दृष्टि से भारत में भाषाओं के संदर्भ में कंप्यूटर से अनुवाद का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और अनुवाद कार्य के लिए बहुत दो महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है, एक तो कोश का निर्माण और दूसरा भाषिक विश्लेषणात्मक अध्ययन। प्राकृत भाषा में कंप्यूटर अनुवाद तब तक संभव नहीं है जब तक कि द्विभाषी कोश तैयार न हो। प्रारंभ में जो भाषा विश्लेषणात्मक और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को साथ साथ रखा गया था, बाद में उन्होंने यह अनुभव किया कि हमें इसको अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि भाषिक विश्लेषण में किसी कारण से यदि हेर फेर करना पड़े तो सारा प्रोग्राम उनको बदलना पड़ता है और वो पर्याप्त श्रम की अपेक्षा रखता है। इसलिए हमें प्राकृत के सॉफ्टवेयर अलग से तैयार करने की अपेक्षा है। जो इस दिशा में विशेषज्ञ हैं, काम कर रहे हैं, वो अगर प्राकृत के विद्वानों के साथ, प्राकृत के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जा सकते हैं। और उसमें व्याकरण, शब्दकोश, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित हों। और एक और बहुत बड़ा काम हो सकता है कि हमारी जो हजारों लाखों की संख्या में प्राकृत भाषा की पांडुलिपियाँ हैं, आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं कि वो स्कैन करने से ही उसका अनुवाद हो जाता है, स्कैनिंग करके उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो अगर हिंदी और अंग्रेजी में ऐसा हो सकता है तो प्राकृत में रचित आगम ग्रंथों में जो ज्ञान विज्ञान कथा भंडार पड़ा है उसका पर्याप्त प्रकाशन और परियोजनाओं के अभाव में वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ पाया, तो अगर इस तरह के प्रयोग किए जाएँ तो वो सामने आ सकते हैं। अब एक ही विषय की भिन्न भिन्न पांडुलिपियाँ अलग अलग जगह प्राप्त हो जाती हैं, उनके पाठांतर मिलाने में भी बहुत कठिनाई होती है। अगर पर्याप्त प्रशिक्षित अध्येता उनके साथ रहें और उसका समुचित संपादन करें तो इसको बहुत स्पीड से किया जा सकता है, अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएं और उसका रूपांतरण और अनुवाद दोनों प्रकार से हो सकता है और एक अद्भुत क्रांति आ सकती है। दूसरा एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि प्राकृत कोश का एक ऐप बनना चाहिए। हम लोग सभी, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में हिंदी इंग्लिश के ऐप होते हैं, आज हमें कहीं कोई शब्द संस्कृत के भी ऐप बने हुए हैं, अगर कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसको डालते हैं, तुरंत उसका अनुवाद या दूसरा भाषा में क्या कहते हैं आ जाता है। तो कोई अगर इस दिशा में कार्य करेगा, एक ऐप बना दे, तो हम प्राकृत का कोई शब्द अगर हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको टाइप करके हम उसका अर्थ हिंदी, अंग्रेजी या इंग्लिश में कैसे भी ले सकते हैं। और उसी तरह अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं उसको प्राकृत में क्या कहेंगे और उसके क्या क्या रूप बन सकते हैं, ये भी हम उस ऐप के माध्यम से समझ सकते हैं। अब पाई सद मांडव आदि कोश, ये सबके ऐप तैयार हो सकते हैं, इस दिशा में पर्याप्त धन उपलब्ध हो और पूरी टीम तैयार हो तो ये काम हो सकता है। एक बहुत आवश्यकता पहले कई संगोष्ठियों में चर्चा हुई लेकिन अभी तक देखने में नहीं आई है कि एक बहुत प्रामाणिक वेबसाइट प्राकृत भाषा की बननी चाहिए, जिसमें सब तरह की सूचनाएँ हों और प्राकृत साहित्य भी आजकल PDF में उपलब्ध है वो वहाँ उपलब्ध हो जाए, पांडुलिपियाँ जो प्रकाशित नहीं है उनकी स्कैनिंग वहाँ PDF में उपलब्ध हो जाए, और बहुत तरह की जो पूरी दुनिया में प्राकृत को लेकर चर्चाएं चलती हैं या संगोष्ठियाँ होती हैं उन सब की जानकारी एक ही वेबसाइट से हो तो बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग उससे जुड़ सकते हैं और उसमें प्राकृत सिखाने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। एक प्राकृत यूनिकोड ट्रांसलिटरेशन ये भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, ये अनुवाद की दिशा में ही काम कर रहा है, लेकिन जैसे जो हमारे भाई टाइपिंग करते हैं वो जानते हैं कि मैनुअल टाइपिंग तो टाइपिस्ट लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और यूनिकोड में भी जो मैनुअल टाइपिंग होती है बहुत अच्छे से होती है, लेकिन हम लोग जो जुगाड़ वाली टाइपिंग करते हैं उसमें हम शब्द थोड़े से बनाते हैं, वो अपने आप बन बन कर सामने आते हैं और हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह का अगर ट्रांसलिटरेशन का वर्क भी हो तो लोग प्राकृत में लिख भी सकते हैं और अन्य भाषाओं से उसको अनुवाद करके और उसका रूपांतरण करके समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे अन्य विषयों के ग्रंथों को प्राकृत में अनुवाद कर दें उसकी अपेक्षा प्राकृत में जो सामग्री है वो कई भाषाओं में अनुवाद होकर के पहुँचे तो उसकी ज़्यादा व्यापकता पड़ेगी, जबकि प्राकृत साहित्य में कितना अमूल्य भंडार भरा है और
विभिन्न भाषाओं में वो सामने आएगा तो तत्तत भाषा के लोग उस विषय को समझ पाएंगे और उसकी व्यापकता आ पाएगी। एक बिंदु मैं ये रखना चाहता हूँ, हमारे समक्ष सभी वरिष्ठ विद्वान भी हैं और हमारे युवा साथी भी हैं, वो सब मिलकर काम करें तो ये काम हो सकता है कि एक प्राकृत चैनल का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अगर हम लाइव टेलीकास्ट वगैरह की व्यवस्था करें तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आज यूट्यूब चैनल ने बड़े सस्ते में ये चीज़ उपलब्ध करवा दी और बहुत छोटी सामग्री, कई लोग तो मोबाइल पर ही सारा काम कर लेते हैं। अगर इस तरह के संसाधन उपलब्ध करके एक प्राकृत का चैनल चलाया जाए और उसकी जो हम जो अभी हमारे विशेषज्ञ विद्वान हैं वो पीढ़ी पीछे बहुत सारे लोग चले गए, अगर उनके ज्ञान विज्ञान को हम रिकॉर्ड कर लेते और अभी डाल रहे होते तो हम भी पढ़ सकते थे जिनको हमने देखा भी नहीं, तो आगे की पीढ़ी को भी वर्तमान का ज्ञान पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए तो उनकी कुछ सिस्टमेटिक एक क्लासेस चला करके यूट्यूब पर हम डाल दें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो पूरी दुनिया में लोग जो भी प्राकृत सीखना चाहता है वो क्रम से उनके वीडियो देख करके, जैसा कि आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है अन्य विषयों में लेकिन हम उस पर बहुत पिछड़े हुए हैं अभी मुझे ऐसा लगता है, दूसरे विषयों में तो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। एक हमारा विद्यार्थी है गौरव जैन CA जो गाजियाबाद में CA है, उसको प्राकृत में बहुत रुचि हो गई और उसने ये काम शुरू कर दिया अपने लेवल पर और प्राकृत की ऑनलाइन क्लासेस चलाता है और वीडियो डालता है और कई लोग उससे सीखते हैं वो चीज़, लेकिन बहुत प्रोफेशनल नहीं है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वो बहुत कारगर, उसकी पाठ वगैरह बना के उसको सिखाया जाए तो बहुत ज़्यादा आज के समय में उसको निर्धारित किया जा सकता है। एक बिंदु है कि प्राकृत के छोटे छोटे शिविर जरूर लगाए गए, प्राकृत कैंप उनको कह सकते हैं, और विभिन्न संस्थाओं में जा जा करके, जैसे हमारे आदरणीय दामोदर शास्त्री जी यहाँ विराजमान है, संस्कृत प्राकृत विभाग में वे अध्यापन करा रहे हैं जैन विश्वभारती में, तो उन्होंने ये योजना वहाँ विभाग में रखी थी कि हमारे यहाँ प्राकृत पढ़ने विद्यार्थी नहीं आ रहा है तो हम जगह जगह जा करके छोटे छोटे शिविर लगा करके प्राकृत को हम वहाँ पर सिखाएं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ वर्तमान संदर्भ में, खासकर जो प्राकृत के रसिया हैं, प्राकृत के प्रेमी हैं, और विशेषकर चूँकि प्राकृत में जैनागम रचे गए हैं इसलिए जैन समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्राकृत के रक्षण की। इसमें व्यवहारिक दृष्टि से आजकल मुझे ये अनुभव हो रहा है बड़ी बड़ी सभाओं में भी कि जब मंगलाचरण किया जाता है तो लोग कोई ना कोई भजन गाने लग जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय ऐसे समय में हमें प्राकृत का मंगलाचरण जरूर करना चाहिए और पहले उसके ये कहना चाहिए कि यहाँ पर प्राकृत का मंगलाचरण हो रहा है ताकि लोगों को लगे कि ये जो उच्चारण हो रहा है वो प्राकृत का, एक कॉमन मैन भी उस बात को समझ पाए। तो ऐसा उद्धरण मुझे कई साधु संतों के पास जाने का अवसर मिलता है तो मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार किया और ये बात प्रारंभ कर दी और ये कहा कि अब मैं प्राकृत में मंगलाचरण करने जा रहा हूँ। तो अगर हम इस तरह का काम करें, और सामायिक और प्रतिक्रमण पाठ भी आज लोग हिंदी में ही करवाते हैं तो मूल प्राकृत उससे सुरक्षित नहीं रह पाती है, मैंने देखा विशेषकर श्वेतांबर समाज में मूल प्राकृत के सामायिक और प्रतिक्रमण पाठों का उद्धरण प्रचार प्रसार में बहुत। इसी तरह एक प्राकृत सूक्ति और सुभाषित, हमारे आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी और डॉक्टर राका जी सूक्तियों पर बहुत कार्य किया है, अगर आप ये देखें कि जो सूक्ति का सौंदर्य है उसको व्यवहारिक प्रयोग में लाएं, जैसे कि हम समाचार पत्र और पत्रिकाओं में एक कॉलम फिक्स कर दें कि यहाँ पर प्राकृत सूक्ति प्रकाशित होगी अर्थ सहित, तो जो आम जनता है उसका जो मैसेज है वो उन तक पहुँच सकता है, तो उन गाथा को अर्थ सहित जो उसमें लावण्य है, जो उसमें संदेश है वो लोगों तक पहुँच सकता है। और इसमें भी बहुत सारे कार्य हमारे संस्थाएँ जो प्राकृत से जुड़ी हैं वो तो करती हैं, जब हम कोई नई संस्था निर्माण करें या कोई संगठन बनाएं तो उसका जो ध्येय वाक्य है वो भी प्राकृत सूक्ति में ही रखें तो भी लोगों को उसका महत्व समझ में आता है। आजकल मैंने देखा है एक व्यक्ति ने मुझे दूर से फ़ोन किया और कहा कि मैं अपने दुकान का साइन बोर्ड प्राकृत में रखना चाहता हूँ, तो मेरा ये नाम है और आप इसको प्राकृत बताइए और साइन बोर्ड। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो बोले एक महाराज जी ने मुझे आदेश दिया था कि प्राकृत में हर चीज़ के नाम होने चाहिए। तो मुझे ये अच्छा उपाय लगा। देखिए कैसे अनाप शनाप नाम लिखे रहते हैं साइन बोर्ड्स पर और लोग नहीं पूछते क्योंकि उसकी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन अब प्राकृत में अगर साइन बोर्ड रहेगा तो एक बार मन में लोगों के क्लिक करेगा ये कौन सी भाषा है, तो वो पूछेंगे उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, तो एक बहुत जनरलाइजेशन हो सकता है। इसी तरह हमारे जो सामाजिक कार्यक्रमों के पोस्टर छपते हैं या शादी के निमंत्रण कार्ड छपते हैं तो उस पर प्राकृत की गाथा और उसका अर्थ अवश्य प्रकाशित कराएं, क्योंकि वो जगह जगह अपने आप जाता है तो लोगों तक वो संदेश प्रकाशित हो सकते हैं। एक चूंकि समय हो रहा है मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, शिक्षा में प्राकृत। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राकृत में बहुत काम कर रहे हैं और मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब 2009 में यहाँ आया था आपके सानिध्य में, तब उस समय एक राष्ट्रीय संगोष्ठी प्राकृत की मुझे लगता है पहली बार हुई थी और वो क्रम अभी तक चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गई एकेडमिक लेवल पर बात। और आदरणीय प्रेम सुमन जी ने प्रयास किया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्राकृत बच्चों को पढ़ाई जाए, वो भी बड़ा अच्छा प्रयास था, लेकिन अपनी ही संस्थाओं ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और लागू नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें भारत सरकार से ये कहना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन होता है उसमें आप प्राकृत सिखाएं भले ही ना, लेकिन प्राकृत का परिचय जरूर दें बच्चों को, ये बताएं कि इतने तरह की भाषा होती है और ये प्राकृत भाषा भी एक भाषा है, ताकि हम कहीं प्राकृत शब्द बोलें तो लोग उसको प्राकृतिक चिकित्सा ना समझें, वो इसको भाषा समझें। तो एक जो जनरल अवेयरनेस है लोगों के मन में ये बात आए कि प्राकृत भी कोई भाषा होती है, ये परिचय लोगों को होना चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा में कम से कम परिचय के रूप में एक चैप्टर जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, जो उच्च शिक्षा है उसमें हम प्राकृत विभाग चलाते हो तो विशेष अध्ययन के लिए है, लेकिन खासकर जो संस्कृत से एमए करते हैं या हिंदी से एमए करते हैं या इतिहास पुरातत्व से एमए करते हैं, उन्हें एक पेपर प्राकृत भाषा का अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके साहित्य को समझने में इस विषय से बहुत मदद मिलती है। तो उच्च शिक्षा में अगर हम एक एक पेपर संयोजित करें तो प्राकृत भाषा को बहुत अच्छे से व्यापक रूप से समझाया जा सकता है। और अंत में एक बात, व्यवहार में प्राकृत का प्रयोग हमको, हम लोग हमेशा प्राकृत में बोलें तो भले ही बोल ना सकें लेकिन शब्दावलियां प्राकृत की प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक आम अवधारणा है कि हम जब साधु संतों के पास जाते हैं तो नमोस्तु बोलते हैं, तो हम उस स्थान पर डमोत्थु बोल सकते हैं। प्राकृत के शब्दों को जीवित रखने की आवश्यकता है जो मूल प्राकृत के शब्द हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे कोई श्वेतांबर भाई कहते हैं कि प्रत्याख्यान करने की जगह वो कहते हैं हमें पच्चाखाण करना है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो मूल शब्दों को संयोजित किए हुए हैं, उनको जीवित रखे हुए अपनी वाणी में। तो अगर हम शब्द संपदा को भी अपनी भाषा में सुरक्षित रखेंगे तो बहुत सारे प्राकृत के जो हमारे मूल आगमों के शब्द हैं वो सुरक्षित रहेंगे और लोगों को उसका जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। एक बिंदु और है, अभी बहुत सारी पाठशालाएं चलती हैं और एक अभियान इस समय चल भी रहा है, मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने एक प्रारंभ किया है, उन्होंने लोगों को प्राकृत सिखाने के लिए प्राकृत पाठावलियां सरल सरल तरीके से तैयार कर दी। और एक अभियान इस दृष्टि से कि हर जैन मंदिर जैन स्थानक वगैरह सब जगह प्राकृत के आगमों की क्लासें चलती हैं, लेकिन वो उसको प्राकृत पाठशाला नहीं बोलते हैं, वो उसको कोई ना कोई नाम, किसी साधु संतों के नाम पर वो पाठशाला चलती है या उसको कोई भी सामान्य नाम दे देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम जब प्राकृत के आगम ही पढ़ा रहे हैं तो उसका नाम प्राकृत पाठशाला रखें और उस समय कम से कम थोड़ा सा प्राकृत की भाषा का बोध भी उसको कराएं कि जो आगम पढ़ रहे हो ये प्राकृत भाषा में है, तो एक क्लास उसकी भी चलवा दें। तो आप देखिए सभी जगह अगर इस तरह का काम होगा तो निश्चित रूप से प्राकृत पाठशाला इतनी चलती है पूरे देश में, ये एक संख्या में सामने आने लग जाएगा और ये जो अकादमियां होती हैं वो विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उन्हें अनुदान भी देने लग जाएगी और प्राकृत का उत्थान और आम लोगों तक पहुंचने वाली बात निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगी। कुछ बातें और भी बहुत सारी हैं लेकिन मुझे लगता है कि समय, हाँ अभी और हैं बोलने के लिए तो समय का अभाव है, मैं और भी बातें कह सकता था लेकिन ये सब कुछ बातें मेरे विचार में आई, और भी बहुत बातें हो सकती हैं, आप भी उसको सुझा सकते हैं, मैंने कोई बात कही है इसमें आप संशोधन भी बतला सकते हैं और उसमें कुछ जोड़ना हो तो वो भी बात कहें, तो मैं इस
अपने आलेख को और अधिक परिष्कृत परिवर्धित कर लूँगा ताकि प्रकाशन से पूर्व एक संपूर्ण बात हमारे सामने आ सके। तो कुछ नई पहल तो हम सभी को मिलकर करनी ही होगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो इस नए युग में स्थापित रहना, बने रहना बहुत कठिन हो जाएगा, और सिर्फ संगोष्ठियों में हम उसका राग अलापेंगे तो ये बात ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, हमारे तक सीमित रह जाएगी। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सभी ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ले जाइए। ये भी बात मैं आगे चाह रहा था कहना कि जहाँ प्राकृत विभाग हैं वो प्राकृत विभाग के रूप में रहें, और कई जगह अभी सुनने में आया कि पहले संस्कृत प्राकृत पाली विभाग नाम से विभाग होते थे, लेकिन वो बाद में कालांतर में उसमें नाम हटा करके सिर्फ संस्कृत विभाग हो गए। तो इस दिशा में भी प्रयास होना चाहिए कि जो संस्कृत विभाग है उनके जो मूल नाम थे वो रहें, और अगर कहीं प्राकृत विभाग है तो प्राकृत विभाग के ही रूप में स्थापित रहे, और भी नए नए विभाग बने, ये हमारा प्रयास निश्चित है। नहीं, ये जो आपने बात कही, प्रणम्य सागर महाराज जी बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने इस दिशा में कई पाठशालाओं के नाम प्राकृत पाठशाला रख दी, इसलिए मैंने उनका उल्लेख किया। तो एक नई पहल है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। महावीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और इस दिशा में देखिए थोड़ा संघर्ष भी हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हाँ, और भी बातों में हम इस बात को थोड़ा लड़ना भी पड़ेगा, थोड़ा जूझना भी पड़ेगा, लेकिन हम अगर सभी संगठित होकर इस विषय पर काम करेंगे और आपसी बैर भाव को भुलाकर काम करेंगे तब जाकर के बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि हम बहुत थोड़े से लोग हैं संस्कृत प्राकृत को समझने बोलने वाले, और अगर हम ही अगर आपस में बटे रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अधिक दूर तक नहीं चल पाएंगे। और सब में होता है, कोई विशेषता मेरे में है लेकिन लाख कमियां मेरे में भी है, लेकिन जो कमियां मेरे में वो आपके अंदर विशेषता है। तो आधे अधूरे रहने से काम नहीं हो पाएगा, हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम प्राकृत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। सर मैं सर कह रहा हूँ, अगर प्राकृत विश्वविद्यालय की बात भी होती है तो इसलिए अच्छी है क्योंकि उस विषय में ज़्यादा काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन जहाँ संस्कृत प्राकृत साथ में चल रही है वहाँ से हटाने की बात नहीं है, वो तो वहाँ रहनी ही चाहिए। बैठा।